नमस्ते दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो आपको रिटर्न एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, ई एडमिट कार्ड। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे डाउनलोड करना है ई एडमिट कार्ड। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उसके नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करने के बाद आप सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप जाकर लिंक में क्लिक कीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम जाकर देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस। तो जब लिंक में क्लिक कीजिए आप लोग तो एक नया विंडो खुलेगा, और उस विंडो खुलने के बाद आप सब यहाँ पर अपना यूज़र नेम फिल कीजिएगा, जो भी आपका यूज़र नेम है, और फिर पासवर्ड फिल कीजिएगा। पासवर्ड फिल करने के बाद अपना जो यहाँ पर कैप्चा है उसे फिल कर दीजिएगा और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप सब जो अपना एडमिट कार्ड का टैब है उस पर क्लिक कर कीजिएगा और अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसे लेमिनेशन करा लीजिए, जिससे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो सेफ रहे और चूहा ना काटे या फिर पानी में ना भीगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसका। तो ऐसा ही करंट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का बखूबी उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।